नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इफला के बारे में। इफला, IFLA, इफला यानी इंटरनेशनल इंटरनेशनल फेडरेशन फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन। दोस्तों, इफला को संघों का महासंघ बोला जाता है, संघों का महासंघ। इंस्टीट्यूशन शब्द, दोस्तों इंस्टीट्यूशन शब्द 1976 को जोड़ा गया, 1976 को। आप इसको इफलाई भी याद रख सकते हैं, इफलाई, ताकि इंस्टीट्यूशन भी इसमें याद रह जाए। तो चलो इसकी बात करते हैं, स्थापना की। इसकी स्थापना, इफला की स्थापना 30 सितंबर 1927 को एडिनबर्ग 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 स्कॉटलैंड स्कॉटलैंड में की गई। दोस्तों, 1971 को इसका मुख्यालय, इफला का मुख्यालय यानी जो वर्तमान में इसका मुख्यालय, जो वर्तमान में मुख्यालय है वो दोस्तों द हेग नीदरलैंड में। दोस्तों, अगर बात करें दोस्तों बात करें कि इंडिया 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 इसका सदस्य कब बना, तो हम इसको एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। जैसे इफला ने इंडिया को कॉल किया कि हे इंडिया, यानी 5 अल्फाबेट वाले इंडिया, 1 2 3 4 5, यानी 5 अल्फाबेट वाले इंडिया, तू मेरे साथ आ। तो 1957 को यानी 1957 को इंडिया इसका क्या बना, सदस्य बना। क्या बना दोस्तों, सदस्य बना। दोस्तों, अगर बात करें इसमें इसके इसमें कितने संघ सदस्य हैं, तो इसमें संघ 150 संघ सदस्य हैं, यानी 150 देशों के 1600 संघ सदस्य 150 देशों के 1600 संघ सदस्य हैं वर्तमान में। ठीक है दोस्तों, इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो दोस्तों इसका प्रथम अध्यक्ष है आइजक कुलीजन। अब इसको याद कैसे करेंगे, जैसे इफला यानी इफला 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 के फर्स्ट अल्फाबेट क्या है, आई है, वो इसका भी क्या है आई है, आइजक का भी क्या है आइए, तो प्रथम क्या हो गया, आइजक कोलिजन। दोस्तों, बात करते हैं वर्तमान में, यानी इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो है दोस्तों क्रिस्टीन मैकेंजी। कौन है दोस्तों, क्रिस्टीन मैकेंजी। तो दोस्तों वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल, दोस्तों वर्तमान में इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो वो है गेराल्ड लेटनर। अब इसको याद कैसे रखेंगे, इसको याद करेंगे जैसे कोई सीक्रेट बात होती है तो हम उसको लेट से बताते हैं, इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके जो कार्यक्रम है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। चलो दोस्तों, बात करते हैं इफला के द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। तो पहला है UBC, दूसरा UGT और ये है UAP। दोस्तों, इनको सीक्वेंस में भी याद कर सकते हो, जैसे BDA बड़ा बड़ा बड़ा
दोस्तों यूँ मान लीजिए ये तीन अंकल हैं, क्या है तीन अंकल हैं, यू यू यानी अंकल है, तीन अंकल हैं, तीन अंकल हैं, कैसे अंकल हैं, बड़े अंकल हैं, कैसे अंकल हैं दोस्तों, बड़े अंकल हैं। तो अगर बात करें सबसे छोटे अंकल की आयु क्या है, तो इस इनकी आयु 74, इनकी आयु 81 और इनकी आयु है 82, यानी तीन अंकल हैं। पहले अंकल की आयु 74 है, दूसरे की 81 है, तीसरे की 82 है। तो ये 1974, ये कार्यक्रम 1974, ये 1981 और ये 1982, 1982। तो चलो इनकी बात करते हैं फुल फॉर्म की, इनकी फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, इसके यूनिवर्सल, यूनिवर्सल तीनों के यूनिवर्सल, 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 ठीक दोस्तों। अब बात करते हैं इसकी बिब्लियोग्राफी, बिब्लियो, बिब्लियोग्राफी कंट्रोल, कंट्रोल, बिब्लियोग्राफी कंट्रोल इसके दोस्तों, यूनिवर्सल डेटा, डेटा फ्लो, 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 टेली कम्युनिकेशन, टेली कम्युनी, टेली कम्युनिकेशन, इसकी यूपी यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी, ए वे ली, सो दोस्तों एवीबिलिटी, एवी, एवीबिलिटी, AI बी ली टी, एवीबिलिटी, पब्लिकेशन, पब्लिकेशन, एवीबिलिटी, पब्लिकेशन, ठीक है दोस्तों। अब लेते हैं तीन प्रोग्राम और, पहला FRBR, FRBR, उसके बाद में सिस्टर लाइब्रेरी, और उसके बाद में है यूनिमार्क, यूनी मार्क, यूनी मार्क, यूनी मार्क। दोस्तों बात करें FRBR, FRBR यानी यू मान लीजिए ये फादर है, एफ यानी एफ आर यानी फादर है, और बी आर यानी ब्रदर है। तो ब्रदर की उम्र 19 वर्ष है और फादर की 95 वर्ष है, ठीक है। तो ये कब प्रकाशित किया गया, 1995 में। दोस्तों बात करें इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है फंक्शनल, फंक्शनल रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट ऑफ बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी रिकॉर्ड्स, यानी फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ बिब्लियोग्राफी रिकॉर्ड्स, सिस्टर लाइब्रेरी। दोस्तों ये पुस्तकालय में, पुस्तकालय में संसाधन धन सह भागिता, सहभागिता को बढ़ावा देने, यानी पुस्तकालय विज्ञान में संसाधन सहभागिता को बढ़ावा देने हेतु सिस्टर लाइब्रेरी की स्थापना की गई, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं यूनिमार्क, यूनिमार्क यानी ये तो ब्रदर, फादर ब्रदर हो गया, और ये सिस्टर हो गई, और ये यूनिमार्क यानी माँ हो गई। तो माँ की आयु क्या है, 77 ईयर, यानी 97, 1977 ईयर, यानी 1973 को, 1973 को ये कार्यक्रम आया था, 1977 को, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं अगले कार्यक्रम की दोस्तों, एक ICCP, ICCP और एक है ISBD, ISBD, एक ICCP। तो ICCP यानी इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, ये भी इंटरनेशनल, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, ICCP यानी, ICCP यानी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस ऑन कैटालॉगिंग प्रिन, यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंसिपल्स,
यानी इंटरनेशनल कॉपरेशन कैटर लॉगिंग प्रिंसिपल्स। दोस्तों ये 1961, यानी इसका आयोजन 1961 में किया गया था, ये कॉम्प्रेस थी, ठीक है ना। इसका आयोजन पेरिस फ्रांस में, पेरिस पेरिस यानी फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया गया। दोस्तों इसमें 12 सिद्धांत प्रस्तुत किए गए, 12 सिद्धांत बस इसके आधार पर ही, यानी 12 सिद्धांतों के आधार पर ही AACR 1 का निर्माण किया गया। दोस्तों इसको पेरिस पेरिस प्रिंसिपल्स यानी पेरिस प्रिंसिपल्स के नाम से भी जाना जाता है, नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। दोस्तों अब बात करते हैं ISBD की, यानी ISBD इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफी बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन। दोस्तों इसमें एक ISBDM और एक ISBD जी यानी ये तो है दोस्तों मोनोग्राफी मोनोग्राफी और ये है दोस्तों जनरल डॉक्यूमेंट। दोस्तों इसका प्रकाशन 1971 में किया गया और इसका किया गया 1974 को। दोस्तों इफ्ला के द्वारा सूचना पुनः प्राप्ति सूचना पुनः प्राप्ति व अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रस्तुत की गई स्वतंत्रता प्रस्तुत की गई। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।